Hello everyone, I am Nirpendra Yadav, Senior Research Analyst at Swastika Invest Smart Limited. Last week, US Fed ने अपनी बैठक में इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किया है. साथ ही आने वाले महीनों में दो बार रेट हाइक करने की बात कही है, जिससे लास्ट वीक सप्ताह के स्टार्टिंग में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में जबरदस्त सेलिंग का दबाव देखने को मिला. हालांकि वीक इन्फ्लेशन, वीक यूएस जॉब मार्केट डेटा और वीक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा के चलते कीमतों में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली. वहीं यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा 0.25% इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कारण यूरो में मजबूती आई और डॉलर इंडेक्स में दबाव बना, जिससे कीमतें सपोर्टिव नजर आ रही है. इस वीक के लिए फेड चेयर जेरोम पावेल की टेस्टिफाई, ब्रिटेन की मॉनेटरी पॉलिसी और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के डेटा गोल्ड और सिल्वर की कीमतों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे. टेक्निकली गोल्ड और सिल्वर की कीमतें बॉटम आउट होती नजर आ रही है. हालांकि इस वीक ट्रेंड रेंज बाउंड रहने की संभावनाएं बन रही है. गोल्ड में सपोर्ट 58,400 पर है, वहीं इसका रेजिस्टेंस 60,500 पर है. सिल्वर में सपोर्ट 70,000 पर है और इसका रेजिस्टेंस 74,000 पर है. हायर इंटरेस्ट रेट और लो डिमांड के चलते क्रूड ऑयल की कीमतों में दबाव अभी बना हुआ है. हालांकि इस वीक क्रूड ऑयल की कीमतें रेंज बाउंड रह सकती है. क्रूड ऑयल में सपोर्ट 5700 पर है, वहीं इसका रेजिस्टेंस 5950 पर है. नेचुरल गैस की कीमतें इस वीक मॉडरेट डिमांड के चलते सपोर्टिव रहने की संभावना है और तेजी का ट्रेंड इस वीक भी हमें इसमें देखने को मिल सकता है. नेचुरल गैस में सपोर्ट 195 पर है, वहीं इसका रेजिस्टेंस 222 पर है. चाइना द्वारा अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट में कटौती की गई है, जिससे लास्ट वीक बेस मेटल्स की कीमतों को अच्छा खासा सपोर्ट हमें देखने को मिला है. हालांकि इस वीक बेस मेटल्स की कीमतों में प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है. इस वीक के लिए यूएस और यूरोजोन यूरो एरिया से जारी होने वाले मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े बेस मेटल्स की कीमतों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे. कॉपर में सपोर्ट 715 पर है, वहीं इसका रेजिस्टेंस 745 पर है. जिंक में सपोर्ट 219 पर है और इसका रेजिस्टेंस 229 पर है. वहीं एल्यूमिनियम में सपोर्ट 200 पर है और इसका रेजिस्टेंस 210 पर है. एग्री कमोडिटीज में रिसेंटली अनफेवरेबल वेदर कंडीशन के चलते एक बार फिर जीरा की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. हालांकि इन स्तरों पर जीरा की कीमतें ओवरबॉट नजर आ रही है. जीरा में रेजिस्टेंस 50,000 का है, जबकि इसका सपोर्ट 47,000 पर है. वहीं टर्मरिक की कीमतों को गिरावट पर बाय करके चल सकते हैं. ग्वार सीड की कीमतों में इस वीक भी रेंज बाउंड टू डाउनसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है, जबकि कॉटन सीड ऑयल केक की कीमतें इस वीक हमें अपसाइड का मूव दिखा सकती है. कॉटन सीड ऑयल केक में सपोर्ट 2450 पर है, वहीं इसका रेजिस्टेंस 2650 पर है. तो ये था हमारा इस वीक के लिए कमोडिटी मार्केट पर अपडेट. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.